नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम रसोई से में। दोस्तों कितनी गर्मी है ना, ऐसे में अगर हमें कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाए खाने के लिए या पीने के लिए तो बस कहना ही क्या। और ये तो आप सभी जानते हैं कि रसोई से प्रोग्राम में हम हर बार आपको मिलवाते हैं एक नई गेस्ट से जो हमें बनाना सिखाती हैं कुछ खास रेसिपीज। आज की हमारी गेस्ट है रुचिका, जो हमें बनाना सिखाएंगी इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे कुछ शेक्स, जो कि ठंडे तो होंगे ही साथ में हेल्दी भी होंगे। तो आइए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से मिलते हैं रुचिका से। रुचिका, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू शिखा एंड हेलो फ्रेंड्स। रुचिका, सबसे पहले आप क्या बनाना सिखाएंगी हमें? शिखा, सबसे पहले मैं आपको कॉफी कैरमल शेक बनाना सिखाऊंगी, पर उससे भी पहले मैं एक चॉकलेट सॉस बना के दिखाऊंगी आपको, जो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि चॉकलेट ब्राउनी, कपकेक्स, केक्स वगैरह में ड्रेसिंग के लिए बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है वो। तो बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा। और कई बार ये होता है कि बता देते हैं कि इसमें चॉकलेट सॉस यूज़ करना है, लेकिन वो कैसे बनता है ये भी हमें सिखा रहे हैं। ज़रूर। तो कैसे बनाते हैं चॉकलेट सॉस? बनाने के लिए हम कुकिंग चॉकलेट लेंगे 200 ग्राम्स और 100 ग्राम्स मिल्क। बस इन दो इंग्रेडिएंट से हमारा चॉकलेट सॉस तैयार होगा। जी, तो हम इसे माइक्रोवेव में बनाएंगे। ये हमने लिए कुकिंग डार्क चॉकलेट, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है ताकि ये जले नहीं, अदरवाइज चॉकलेट बहुत जल्दी से बर्न हो जाती है। यानी कि हमारे व्यूअर्स को हम बता दें कि जब भी आप चॉकलेट सॉस बनाएं तो ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखें। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि चॉकलेट सॉस बनाते वक्त या चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए, पानी से चॉकलेट जल जाती है और ख़राब हो जाती है, तो पानी का विशेष ध्यान रखना है हमें। जैसे कि अगर हम गैस पर उसे करते हैं तो डबल बॉयलर में करते हैं। राइट, राइट, एकदम। इसमें दूध डालेंगे? हाँ, इसमें हम दूध डालेंगे। थर्टी सेकेंड्स के लिए मैं इसे रखूँगी, फिर स्टर करेंगे, एक बार मिला लेंगे इसे, फिर अगर और मेल्ट होना बाकी रहा तो वापस से चलाएंगे इसे। ओके, इट मींस ये है कि एक बार 30 सेकंड्स के लिए आप इसे रखिएगा, उसके बाद निकाल कर थोड़ा सा स्टर करेंगे कि कहीं लग तो नहीं रहा, पूरा मेल्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद जैसी नीड है उसे और दोबारा गर्म करना है तो उसे दोबारा हम माइक्रोवेव करेंगे। वैसे चॉकलेट सॉस हम बनाकर रख सकते हैं कितने दिन तक के लिए? इसे हम आराम से 2 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं उन्हें चॉकलेट तो बहुत अच्छी लगती है, फिर चाहे ब्रेड स्लाइस है, केक है या कुछ भी है। हाँ, देखिए 30 सेकंड्स हो गए हैं, अब हम देखते हैं, ये अभी मेल्ट नहीं हुई है लेकिन हमें एक बार स्टर करना है। काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, अभी अच्छे से मैश हो रही है। गर्मी का मौसम है इसलिए बहुत जल्दी मेल्ट हो गई है, अदरवाइज इसको सर्दियों में तो बहुत टाइम लगता है मेल्ट होने में। ये मेल्ट हो गई है, अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे, इसे दोबारा से हम माइक्रोवेव में रखेंगे। इसे मैं अब 20 सेकंड्स के लिए चलाऊंगी, क्योंकि काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है, थोड़ी बहुत जो बाकी रहेगी 20 सेकंड्स। अभी रुचिका जी ने 20 सेकंड्स के लिए इसे चलाया है, लेकिन आप देखिएगा सर्दी का मौसम है या आपकी चॉकलेट कितनी मेल्ट हुई है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर से माइक्रोवेव करना है, क्योंकि हमने देखा था 30 सेकंड्स में काफ़ी मेल्ट हो गई थी। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, बच्चों को हर एक चीज़ में चॉकलेट चाहिए, इस तरह से चॉकलेट सॉस बनाकर आप 2 महीने तक अपने फ्रिज में रख सकते हैं। और ये जैसे अपन रेडीमेड चॉकलेट सॉस खरीदते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है, तो ये आपको काफ़ी रीजनेबल पड़ेगा और आपको सेटिस्फैक्शन रहेगी कि आपने घर पे बनाया है तो इसमें कुछ मिलावट नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने डार्क चॉकलेट यूज़ करी है? हाँ जी। ओके, ये ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो गया है। हाँ, ये चॉकलेट सॉस बन के तैयार है अपना, बस इसमें थोड़े से जो लम्ब्स रह गए हैं वो इसको मिक्स करते करते ये लम्ब्स चले जाएंगे, तो इसको स्टर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने बीच में बाहर निकाला था। हाँ, तो जैसे हम कोई भी मिक्सचर बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, उसमें लम्ब्स रह जाते हैं, वैसे ही ध्यान रखें कि इसमें लम्ब्स ना रहें, उसे अच्छे से एक बार मिक्स करना है। और अभी हम देख पा रहे हैं कि हाँ, एकदम से ये स्मूथ हो गया है। हाँ, ये चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो गया है। और अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? अब हम सबसे पहले बनाएंगे कॉफ़ी कैरमल शेक। कॉफ़ी कैरमल शेक बनाने के लिए हमें चाहिए दूध,
200 ग्राम डार्क चॉकलेट, 2 टेबलस्पून कैरेमल सॉस, 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम, 3 स्कूप व्हिप्ड क्रीम के, 1 टीस्पून कलरफुल शुगर स्प्रिंकलर्स, चॉकलेट स्प्रिंकलर्स, कुकीज़, चॉकलेट्स। अब इसमें हम एकदम चिल्ड 2 ग्लास दूध ले लेंगे। मतलब अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे 2 ग्लास बनाने के लिए आपने 2 ग्लास दूध लिया है। ये मैंने दूध ले लिया है। हाँ जी। और अब मैं इसके बाद लूँगी 2 स्कूप्स वनीला आइसक्रीम के। थैंक यू शिखा। वनीला आइसक्रीम से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है और इससे थिकनेस आ जाएगी शेक की, ताकि एकदम क्रीमी, मतलब मिल्क अपन कितना भी फैट वाला ले लें पर उसमें वो क्रीमीनेस नहीं आती है, वो आपकी इस आइसक्रीम से। और अब मैं डालूँगी व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम अगेन आपको बहुत अच्छा टेक्सचर देगा शेक को और बहुत क्रीमीनेस देगा। तो व्हिप्ड क्रीम मैंने व्हिप करके रखी हुई है ऑलरेडी, आप मार्केट से व्हिप करी हुई बेकरीज पे अवेलेबल होती है, आप ला सकते हैं। अदरवाइज़ इसका बॉक्स ला सकते हैं, तो डबल बीटर से आप इसे व्हिप कर लें। और उसके बाद मैं लूँगी इसमें कॉफ़ी। कॉफ़ी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। आई विल गो फॉर 1 टीस्पून। सो आई हैव टेकन, मैंने ले लिए 1 टीस्पून यहाँ पर कॉफ़ी। और अब हम लेंगे कैरेमल सॉस। कैरेमल सॉस शुगर से बनता है, इसे हम शुगर को कैरेमलाइज करके बनाते हैं। तो ये भी आप घर पे आसानी से शुगर को मेल्ट करके बना सकते हैं, बहुत ही यमी लगता है ये। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून करीब डाला है, इससे स्वीटनेस भी आ जाएगी। हाँ, और एक फ्लेवर भी आ जाएगा। राइट। अब इसे हम ब्लेंड कर देंगे। ओके, इसमें हमने दूध डाला है, आइसक्रीम डाली है, व्हिप्ड क्रीम डाली है, कॉफ़ी डाली है और कैरेमल। हाँ, ओके। और आप इसमें ये चॉकलेट सॉस जो हमने बनाया है, आप अगर चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं तो यू कैन गो फॉर चॉकलेट सॉस ऑल्सो, आप वो भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, जैसे अपने मार्केट में आप पीते हैं जिस तरह के शेक, सेम वैसा आपको फ्लेवर आएगा। तो आप चॉकलेट सॉस डालते हैं इसमें थोड़ी। थैंक यू शेफ। लगभग हमने डाले हैं, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। इसे एक साथ पूरा नहीं चलाएंगे, कंटिन्यूसली थोड़ा रुक रुक के इसे हमें चलाना है, नहीं तो उसकी जो क्रीम है ना वो बाहर आ जाती है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल गए हैं। ओके, और साथ ही ये भी बता दिया कि एक साथ इसे ब्लेंड क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें व्हिप क्रीम भी डाली है, आइसक्रीम भी डाली है और दूध भी है, तो सब एक साथ नहीं। अच्छा, हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे जो इसका सर्व करने का तरीका है वो बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही फ्रीकी लुक देंगे हम इसे। इसे गार्निश करेंगे काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह के साथ। इस चॉकलेट सॉस से मैं इसको ड्रिजल करूँगी अंदर इसके, ताकि एक बहुत ही अच्छा लुक आए। मतलब तो इस तरीके से मैंने इसमें चॉकलेट सॉस डाल दिया। सिंपली इस तरीके से इसे डालना है। अब हम इसके जो इसका जो रिम है, जब हम इसको मुंह से लगाएं तो भी चॉकलेट आनी चाहिए, तो हम इसको उल्टा करके इस चॉकलेट सॉस में हम इसे ऐसे डिप कर देंगे। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसे अब हमें फ्रिजर में थोड़ी देर के लिए 2 मिनट्स के लिए सेट करना पड़ेगा। ओके, पर उससे पहले हम इस पर जो गार्निशिंग करना चाह रहे हैं, जो ये स्प्रिंकलर्स वगैरह हमारे पास हैं, तो हम ये लगा दें इस पर। ओके, ये कलरफुल स्प्रिंकलर्स मैं इस पर लगा रही हूँ, इससे बहुत ही रिफ्रेशिंग लुक आ रहा है इस पर। ये देखिए आप, बिल्कुल जो भी हमने बनाया है। एक्चुअली कई बार तो ये होता है कि बच्चे सिर्फ चीज़ देखकर ही खाना शुरू कर देते हैं। और चॉकलेट अभी एकदम से
बुनी हुई है सेट, इसलिए इस पर एकदम से चिपक भी रहा है। हाँ, तो हमें इसी वक्त डालना है जैसे ही चॉकलेट में डिप करके, और फिर ये स्प्रिंकलर्स इस पर बिल्कुल चिपक रहे हैं। मैं इसको दिखा देती हूँ। शिखा, अब हम इसे 2 मिनट के लिए फ्रिजर में रख देंगे ताकि हमारा जो चॉकलेट सॉस है वो अच्छे से सेट हो जाए। okay. और जब हम इसमें शेक डालें तो वो उसके साथ ना मिल जाए। ओके okay. अब हम इसमें ये तैयार शेक जो है हमारा, ये इसमें हम डालेंगे। वाह, ब्यूटीफुल, क्योंकि वो चॉकलेट सेट हो गई है तो बहुत अच्छी भी लग रही है। डिज़ाइन जो हमने हाँ. बनाई थी सारी मुझे दिख रही है। अब हम इसमें 1 स्कूप या 2 स्कूप, आपको जितना ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है उस हिसाब से okay. आप इसमें आइसक्रीम डालिए। ये हमने डाल दी okay. आइसक्रीम, और अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी व्हिप्ड क्रीम से, जो हमने व्हिप करके पहले ही रख ली थी। और okay. मैंने इसको आइसिंग कोन में फिल कर लिया है और इसमें नोजल लगी है, तो ये नोजल से हम हेल्प करेगी हमें डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस पर जैसे कपकेक पे आपने देखा होगा जिस तरीके से होता है, तो उस तरीके से हम इस तरीके से हमने इस पर व्हिप्ड क्रीम से ड्रेसिंग करी है। अब क्योंकि ये बहुत कॉफी कैरमली और चॉकलेटी है तो पता तो चलना चाहिए लोगों को कि हमने इसमें चॉकलेट डाली है। तो अब इसको हम स्टफ करेंगे खूब सारी चॉकलेट से। जैसे हमने किटकैट ली और यहाँ किटकैट हमने लगा दी इसके ओके। फिर हम कुछ ही स्प्रिंकलर्स हैं चॉकलेट के जो हमारे पास रखे हैं, तो ये हम चॉकलेट ड्रिजल करेंगे इस पे। वाओ, और एक स्ट्रॉ पीने के लिए। और मैं एक ये चॉकलेटी बिस्किट आता है स्विस रोल, तो ये बड़ा टेस्टी लगता है इसके साथ, तो विल गो फॉर दिस आल्सो। वंडरफुल, और आप इसमें कुकी भी लगा सकते हैं। तो ये मतलब ये है कि ड्रेसिंग का जो स्कोप है वो हाँ. बहुत फास्ट है, आप इसको किसी भी तरीके से इसकी ड्रेसिंग हाँ. कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ही एक वंडरफुल डेजर्ट मील हो गया है। बिल्कुल, अब ये बनकर तैयार है। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पूछना पड़ रहा है क्योंकि इसकी ड्रेसिंग खत्म ही नहीं हो रही है। इतना प्यारा ये लग रहा है, मैं एक बार व्यूअर्स को दिखा देती हूँ। ये देखिए, कॉफी कैरेमल शेक बहुत ही सुंदर बनकर तैयार है। इतनी प्यारी ड्रेसिंग इसकी है। अब इतना ठंडा, इतना टेस्टी, इतनी प्यारी दिखने वाली चीज़ कोई हाथ में हो तो कोई कैसे रुकेगा। इसलिए मैं करती हूँ इसे टेस्ट, तब तक आप देखिए इसका क्विक रिकैप। कॉफी कैरेमल शेक तो बहुत ही टेस्टी था। आइए अब इसके बाद जानते हैं कि रुचिका हमें क्या बनाना सिखाएंगी। रुचिका जी, अब क्या बनाना सिखाने वाली हैं? अब मैं आपको कुछ अलग लाइक फ्रूटी शेक बनाना सिखाऊंगी। ओके, गर्मी में फ्रूटी भी और ठंडा भी हाँ। बहुत खूब, क्या तो करेंगे? उसकी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हम यहाँ पर बनाएंगे। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश, 1 ग्लास दूध, 1 स्कूप व्हिप्ड क्रीम, 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम, जैम्स क्रश कीवी, 1 टीस्पून कलरफुल शुगर स्प्रिंकलर्स, कपकेक्स। हम इसे स्ट्रॉबेरी क्रश से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। तो स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए पहले हम 2 ग्लास ठंडा दूध लेंगे। इसे मैं इस जार में डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ हम हर चीज 2 ग्लास बना रहे हैं क्योंकि एक मैं हूँ और एक रुचिका है। आपके घर में जितने मेंबर्स हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं इसे। तो ये मैंने यहाँ दूध ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्कूप आइसक्रीम का।
ये फ्रूटी है तो हम इसे बहुत ज़्यादा क्रीमी मतलब अच्छा बना आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा क्रीमी मैं यहाँ पर इसे नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा फ्रूट का फ्लेवर आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। तो यहाँ पर मैं एक स्कूप आइसक्रीम लेती हूँ, आप चाहें तो दो भी ले सकते हैं। जो हम इसमें क्रश डालने वाले हैं उसका थोड़ा सा क्रंचीनेस, उसका फ्लेवर भी अच्छे से आना चाहिए। और अब डालूंगी मैं इसमें व्हिप्ड क्रीम, ये मैंने एक स्कूप व्हिप्ड क्रीम की यहाँ पर डाली है इसमें। और अब मैं इसमें डालूंगी हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है स्ट्रॉबेरी क्रश। तो ये स्ट्रॉबेरी क्रश मतलब आपकी वो स्ट्रॉबेरी की जो कमी है उसे अच्छे से पूरा करेगा। और अगर आप सीज़न है स्ट्रॉबेरी का और आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिल रही हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर क्रश ज़रूरी है बिकॉज इसमें जो एक एसेंस है स्ट्रॉबेरी का तो वो आपको इसी से आएगा, वो आपको नेचुरल स्ट्रॉबेरी से उतना नहीं आ पाएगा। जितना अच्छा फ्लेवर आपको क्रश से मिलेगा उतना अच्छा रियल फ्रूट से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश के ले रही हूँ। आप चाहें अगर आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं, कोई और फ्रूट मैंगो शेक आप बनाना चाहें तो मैंगो क्रश भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, ब्लूबेरी क्रश भी ले सकते हैं, पर यहाँ हम स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं। तो मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं इसमें, अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी और हम मिक्सर में ही करेंगे ब्लेंड बिकॉज बहुत अच्छी से ब्लेंड हो जाता है इसमें, हैंड मिक्सर से उतनी अच्छी से ब्लेंड नहीं हो पाती चीज़ें। ओके मतलब कहीं आप ये सोचें कि हैंड ब्लेंडर है घर में तो मैं उसको यूज़ कर लूँ तो आप कर सकते हैं बेशक, लेकिन जैसा कि रुचिका जी कह रही हैं इतनी अच्छी स्मूथनेस और क्रीमीनेस उसमें नहीं आएगी। तो ये स्ट्रॉबेरी अच्छे से ब्लेंड हो गई है सारी चीज़ें हमारी, हमारा क्रश आइसक्रीम व्हिप्ड क्रीम और दूध अच्छे से ब्लेंड हो गए। अब हम करेंगे इसकी ड्रेसिंग। इसमें देखिए स्ट्रॉबेरी और उसका लुक भी है बिल्कुल। तो ये मेसन जार्स हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में शेक्स इन्हीं में सर्व होते हैं आजकल। तो इसकी भी हम जैसे हमने कॉफ़ी वाले की करी थी, हमने ड्रेसिंग करी थी उसी तरीके से हम, अब आपने इसमें स्ट्रॉबेरी डाला है तो हम इसमें वो दिखाएंगे कि हमने क्या इंग्रेडिएंट छुपाए हैं अंदर। तो हम इसको ग्लास को उसी तरीके से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैं स्ट्रॉबेरी क्रश ले रही हूँ, उससे मैं अपने इस मेसन जार को डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इवन होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि सॉस सीधा नहीं जा रहा है, मतलब कुछ भी डिज़ाइन स्लाइटली वो दिखना चाहिए। पिंक कलर है स्ट्रॉबेरी क्रश इसमें आ रहा है। तो ये मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी बिल्कुल क्रश आप देख सकते हैं ये इस तरीके से अंदर ड्रिजल कर दिया है। अब इसकी ये जो रिम है इसे भी हम स्ट्रॉबेरी में डिप करेंगे इस तरीके से। बिल्कुल चारों तरफ स्ट्रॉबेरी क्रश लग गया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे इस ग्लास को इन कलरफुल एंड चेयरफुल स्प्रिंकलर से। तो मैंने ये प्लेट में ले लिए हैं क्योंकि प्लेट में काफ़ी इजी रहता है लगाना। तो इस तरीके से हम इस पे लगाएंगे स्प्रिंकल्स। ये देखिए शिखा, तो ये इजीएस्ट वे हो गया है आपका, ये कितनी अच्छी से इस पे चिपक गए हैं सब। बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। आप चाहें तो चॉकलेट जो स्ट्रॉबेरी सॉस हमने जो सिरप लगाया है वो और अंदर मतलब ज़्यादा दूरी तक लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सॉस पसंद है तो। तो इसको मैंने कर दिया है डेकोरेट। अब हमारा जो ये क्रीमी स्ट्रॉबेरी शेक जो हमने बनाया है इसे मैं इसमें पोर करूँगी। ये देखिए कितना क्रीमी, बहुत थिक बना है ये बिल्कुल। ये थिकनेस हमारी जो आई है ये व्हिप्ड क्रीम और आइसक्रीम जो हमने डाली है इसमें उस वजह से आई है। और ये टेक्सचर देखिए जो ग्लास का आ रहा है बिल्कुल सॉस से, यहाँ से जो दिख रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है।
अब हम इसमें डालेंगे एक स्कूप आइसक्रीम और इसे व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट करेंगे इस तरीके से। देखिए अब इसे हम थोड़े से अगेन जैसे हमने कॉफ़ी में किया था उस तरीके से अब इसमें भी डेकोरेशन तो करना ही है। बिल्कुल बनता है। तो इस तरीके के बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ स्ट्रॉबेरी हमने बनाया है तो हमने स्ट्रॉबेरी स्टिक ली है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है ये और इसमें हम ये वेफर बिस्किट भी डालेंगे तरीके से। वेफर बिस्किट भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही होगा? हाँ जी, वो भी हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही लेंगे वेफर बिस्किट। और आप जो भी वेरिएशंस चाहते हो वो आप कर सकते हैं। और इसमें स्ट्रॉ तो ज़रूरी है लगाना। बिल्कुल, इन्हें फ्रिकी शेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओवरलोडेड होते हैं। अब मैं चाहती हूँ एक कपकेक भी होना चाहिए इसके साथ, खाली शेक का क्या मज़ा। तो मैं इसमें एक कपकेक लगाऊंगी। इस तरीके का हमारे पास ये बारबेक्यू स्टिक कहते हैं इसे हम, इसमें पनीर टिक्का वगैरह बनता है। बिल्कुल। तो इस तरीके के हम बारबेक्यू स्टिक लेके ये चलेगा, मतलब जब खाना होगा तभी हटा के, क्योंकि हमारा टच नहीं होगा उससे शेक से। तो इस तरीके से हम इसमें ये लगा देंगे। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने पिछली बार कहा था कि थोड़ा सा डेजर्ट भी हो गया है और साथ में हमारे को कुछ ना कुछ मिल गया है। और जेम्स अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। बहुत कुछ पिंकी पिंकी सा हो गया है, सो व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग जो येलो ग्रीन ब्लू इस तरीके के जो अदर कलर्स हैं, वो इसको बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर देगा। तो इस तरीके से हम इस पर जेम्स लगा देंगे। हम इसे भी स्प्रिंकल कर सकते हैं? हाँ ज़रूर, प्लीज़ ट्राई। ये मेरी तरफ से। वाओ, आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। साथ में केक भी है। आप थोड़ा सा खाइए, फिर थोड़ा सा पीजिए, फिर थोड़ा सा खाइए, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ में और क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। शिखा, आप ट्राई करिए और बताइए मुझे कि कैसा बना है, आपको कैसा लगा। हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो। बिल्कुल, और मैं सबसे पहले जाऊंगी इन वेफर्स से। तो दोस्तों, मैं करती हूं इसे टेस्ट, तब तक आप देखिए इसका क्विक रीकैप। दोस्तों, सबसे पहले तो हम हमारी आज की गेस्ट रुचिका का करते हैं धन्यवाद। रुचिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे अच्छे शेक्स बनाना सिखाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा। दोस्तों, फिलहाल तो वक्त हो गया है जाने का, लेकिन ये वादा रहा कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर एक नई गेस्ट और कुछ खास रेसिपी। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम।